तारीफ करेंगे जोर दे नाल परमेश्वर दी। अपने हाथों उठा के जोर दे नाल परमेश्वर दी तारीफ करेंगे और स्वागत करेंगे परमेश्वर दी प्रेजेंट अपने जीवन दे विच। उस दे नाम नूं तारीफ दिंदे होए परमेश्वर दा धन्नवाद करेंगे अपने जीवन तों। उस दे नाम नूं वडियाई दिंदे होए परमेश्वर दे अगे जावांगे। उस दे हर भलाईयां दे लई परमेश्वर दा धन्नवाद करेंगे परमेश्वर दे अगे जाके और उस दे भले कम्मां दे लई जो परमेश्वर ने साडे जीवन दे विच कीते ने उन्हें सब कम्मां नूं याद करदे परमेश्वर दे अगे जाओ परमेश्वर दी महिमा करो। अपने हाथों उठाओ और अपने अखां नूं बंद करदे होए असीं परमेश्वर दी वर्शिप दे विच आवांगे। तंगी मुसीबत दा तूफान
कलीसिया अपने हाथों को उठाए हर एक जन और अपने आप को फिर से वर्षिप के लिए तैयार करें हर एक जन और कहिए पिता परमेश्वर कि मेरे जीवन में आप मेरे खुदाबा पिता परमेश्वर मेरे खुदाबा पिता परमेश्वर मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ मेरे खुदाबा पिता परमेश्वर मेरे जीवन में तेरा पवित्र आत्मा है मेरे खुदाबा पिता परमेश्वर मैं तेरे पवित्र आत्मा को समझ सकूं मेरे खुदाबा अपने हाथों को उठाते हर एक जन मैनू लोड़ा तेरिया मैनू लोड़ा तेरिया आ जाए सुराजया क्यों लाइया तेरिया मैनू लोड़ा तेरिया मैनू लोड़ा तेरिया ये हर एक जन अपने हाथों को हिलाते हुए ने मुख में
Oh,
आ परमेश्वर मेरे जीवन में आ खुदा बा
को तेरा नाम है जेड़ा खोले आसमानानू तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफानानू तेरे बाजो बढ़ियाई तेरी करांगा।
रब मेरे पाक खुदा बड़े आई तेरी तरांगा या रब मेरे पाक खुदा बड़े आई तेरी तरांगा या रब मेरे पाक खुदा खोल दे लब तू मेरे खोल दे लब तू मेरे मेरा दिल तद खुशियां दे नल भावे गीत भी तेरे मेरा दिल तद खुशियां दे नल भावे गीत भी तेरे या रब मेरे पाक खुदा बढ़ियाई तेरी कांगा
तद खुशियां दे नाल भावे गीत भी तेरे मेरा दिल तद खुशियां दे नाल यार रब मेरे पाक खुदा बढ़ियाई तेरी करांगा यार रब मेरे पाक खुदा बढ़ियाई तेरी करांगा यार रब मेरे पाक खुदा बढ़ियाई तेरी करांगा खुदा
आई तेरी करूंगा। अपने हाथों को उठाओ, हर एक जन खड़े हो जाओ।
उसके नाम की महिमा करो दो मिनट के लिए। हिलाओ अपने हाथों को सब दो मिनट के लिए, अपने हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ हर एक जन, अपने हाथों को हिलाते हुए हर एक जन दो मिनट के लिए कहो प्रभु तेरी महिमा हो, सेना की यहोवा की स्तुति हो, सेना की यहोवा की महिमा हो। हर एक जन अपने हाथों को उठाते हुए यहोवा तेरी स्तुति हो, यहोवा तेरी स्तुति हो, यहोवा तेरी स्तुति हो, होसना होसना। अपने हाथों को हिलाते हुए हर एक जन यहाँ पे भी हो, आप अपने हाथों को हिलाओ दो मिनट के लिए और स्तुति करो खुदा की, सेनाओं के यहोवा की स्तुति हो। ऊंचे सुर से बोलो सेनाओं के यहोवा की स्तुति हो, ऊंची आवाज में बोलो सेनाओं के यहोवा की स्तुति हो। हर एक जन अपने हाथों को उठाते हुए दो मिनट के लिए बोलते जाओ, कंटिन्यू रखो इसी चीज को, यहोवा परमेश्वर की स्तुति हो, 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 यहोवा परमेश्वर की स्तुति हो। अपने हाथों को उठाते हुए दो मिनट के लिए ये बोलते जाओ, अपने हाथों को उठाओ हर एक जन। अपने हाथों को हिलाते हुए होसना बोले दो मिनट के लिए, होसना होसना। जहाँ पे भी आप खड़े हो क्वायर अपने हाथों को हिलाते हुए सेनाओं की यहोवा की होसना, सेनाओं की यहोवा की होसना। बोलो बोलो ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाते हुए हर एक जन, सेनाओं की यहोवा की होसना, होसना होसना होसना, सेनाओं की यहोवा की होसना। स्तुति हो खुदा की, खुदा के बेटे की स्तुति हो, 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 खुदा के बेटे की स्तुति हो। बोलो यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। अपने जीवन से मैं यीशु को महिमा देता हूँ, अपने जीवन से प्रभु को महिमा देता हूँ। अपने हाथों को उठाते हुए हर एक जन बोल दे जाओ, अपने हाथों को उठाओ हर एक जन। अपने हाथों को हिलाते जाओ, परमेश्वर आपको छू रहे हैं जब आप होसना कर रहे हैं, परमेश्वर के दूत आपके साथ होसना कर रहे हैं, परमेश्वर के दूत आपके साथ होसना कर रहे हैं। होसना करो हर एक जन होसना करे, उसके दूत होसना कर रहे हैं आपके साथ। बलिदा पल्ले आया जो दुआ
छुड़ाई मेरी जान, भले आया जदो याद करा, सारे दुखा तो छुड़ाई मेरी जान, भले आया जदो याद करा, तारीफ का मैं देवा गली जाओ बोलो परमेश्वर तेरी होलता ना हो, मैं तेरी तारीफ करता हूं क्योंकि तूने आज तक मुझे संभाल कर रखा, तूने मेरे साथ भलाई की, मेरे साथ वो काम किए जो कोई ना कर पाया वो तूने करके दिखाए, जो मेरे से नहीं बनते थे वो तूने बनाए, मैं तेरी तारीफ करता हूं। तू महान परमेश्वर है, तू महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है, तू सुनने वाला परमेश्वर, तू बचाने वाला परमेश्वर है, तू अच्छा चरवाहा है, तू अच्छा चरवाहा है प्रभु, तू अपने लोगों का रक्षक है, तू अपने लोगों का बचाने वाला परमेश्वर है। मैं तेरी तारीफ करता हूं, मैं तेरी तारीफ गाता हूं, मैं तेरी तारीफ करता हूं, ऊंची आवाज में बोलो हर एक जन, हिला हिला अपने हाथों को, बोलो सेनाओं के यहोवा की स्तुति हो सना हो सना सेनाओं के यहोवा की। अरे बाबा बारा शिंदा नारा बारा सुखुंदा नारा बाबा रशिंदा मेरा बन के बना देता उस किनारे ला,
दुखा तो छुड़ाई मेरी जान याद करे उसकी तारीफ करे पावे होवे पुकाशे मैनू उसकी तादले पावे होवे पुकाशे मैनू उसकी तादले पावे होवे पुकाशे मारा शुक्र उसकी तादले बताया जतुपा होया डोल बे
बन के मला पिता उस किनारे ला, मेरा बन के मला पिता उस किनारे ला, मेरा बन के मला पिता उस किनारे ला, मेरा बन के मला पिता उस किनारे ला। अरे दुखा तो छोड़ाई मेरी जान, पले आया जो या गुजरा, मेरी मेरी भले मैं दिल बलिदान।
बाइबल को ले लो हर एक जन, अपनी बाइबल को उठाओ, उसके नाम की स्तुति करते हुए हर एक जन बोलो सामर्थी परमेश्वर, ये बाइबल मुझे समझ और बुद्धि प्रदान करती है, ये जीवते वचन है जब मेरे जिंदगी में आते हैं मुझे जिंदा करते हैं, जिस हिस्से में मैं इनको बोलता हूं वो जिंदा हो जाता है, ये मरे हुए बिजनेस को जिंदा करते हैं, ये मरे हुए हिस्से को जिंदा करते हैं, क्योंकि तेरे मुख से निकला हुआ शब्द है और तूने अपने मुख से निकले हुए शब्द को अपने वचन को अपने से बड़ा किया है सामर्थी परमेश्वर। आज जब भी मैं इस वचन को सीखूं सौ गुना फल दूं सामर्थी परमेश्वर, और मेरे परमेश्वर आज तू मेरी सहायता कर सुनने में समझने में इसके ऊपर खड़े रहने में मेरी सहायता कर, तेरे स्वर्ग दूत मेरी सहायता करें, ये वचन पिता परमेश्वर सौ गुना फल लेकर आए खुदा तेरी हजूरी में अपने आप को झुकाता हूं, आज मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आज मैं सुनने के लिए तैयार हूं, तेरे वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हूं, इस पे अड़ा और खड़ा रहने के लिए भी तैयार हूं, अपनी बाइबल को ऊपर लेकर मजा लेते हुए तारीफ करते हुए और मजा लेते हुए अनानी के परदा होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गॉड फायर इन द नेम ऑफ जीसस, जगो याद करा चकिया
पवित्र आत्मा से भरते हुए वचन से पहले मैं अनॉइंटिंग उतरती हुई देख रहा हूँ। वचन से पहले मैं आपको पवित्र आत्मा से भरता हुआ देख रहा हूँ। वचन से पहले मैं कह रहा हूँ आपको मैं अनॉइंट होते हुए देख रहा हूँ, आपको हील होते हुए देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थी नाम में। आपको हील होते हुए देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर अनॉइंटिंग उतरती हुई देख रहा हूँ, दूतों को छूते हुए आपको देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा लंबा ये आशीषें आपकी हैं। आपकी बुद्धि खुले, आपकी समझ खुले, पवित्र आत्मा आप पे छाया करे, पवित्र आत्मा आप पे उतरे, वो घर करे आपकी बॉडी पे, बॉडी के अंदर जाए पवित्र आत्मा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ओ रा बा 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 पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, हर शख्स पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा से भर जाओ, 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 पवित्र आत्मा से भर जाओ। समझ और बुद्धि खुले, निर्बुद्धता जाती रहे, निर्बुद्धता जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। बीमारियां जाती रहे, दर्द जाती रहे, बीमारियां जाती रहे, बीमारियां जाती रहे, बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम में, बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थी नाम में, बीमारियां जाती रहे, बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम में, बीमारियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम में, नाम में, नाम में। चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो जाओ। मैं लोगों को छूटते हुए देख रहा हूँ, लोगों को आजाद होते हुए देख रहा हूँ, जो मुझे सुन रहे हैं ऑनलाइन, जो भी सुन रहा है, मैं आपको आजाद होते हुए देख रहा हूँ, मैं आपको चंगे होते हुए देख रहा हूँ, अनाउंसिंग में देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। छुड़ाई मेरी पल्ले आया जदो याद करा, सारे दुख तो छुड़ाई मेरी पल्ले आया जदो याद करा, सभी सारे दुख तो छुड़ाई मेरी पल्ले आया।
तारीफ करो, जहां पे भी बैठे हुए हो, खड़े हो, तारीफ करो जोर से। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सच में जो वर्षिप करता है वो छुड़ाया जाता है, उसके बंधन टूटते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। एक हम भजन गाते हैं, वहां पे लिखा है लिखारी ने और गाने वाले ने लिखा है, यीशु तेरी आराधना बंधनों को तोड़ देती है। ये हम आराधना में जाते हैं, प्रोफेटिक लेते हैं, नाच के प्रोफेटिक लेते हैं, वो हमारी जिंदगी में कंप्लीट होते हैं। हालेलुया। आज जितने भी इस वर्षिप में आपको शब्द दिए गए, मैं कई लोगों को अनाउंसिंग में भरता हुआ देख रहा था और कई लोग आजाद हो रहे थे सिर्फ वर्षिप करने से, आराधना करने से। और जब हम आराधना की ओर ध्यान देते हैं, वर्षिप की ओर ध्यान देते हैं, सचमुच हमारे बंधन टूटते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और बहुत सारे लोग इस वर्षिप के दौरान और पिछले जो हफ्ते हुई थी वर्षिप, उस वर्षिप के दौरान आप ब्लेस हो सब यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, हालेलुया। बैठ जाओ, अपनी बाइबल को लो। बाइबल को साथ लो, दो मिनट के लिए आंखें बंद करो और खुदावंद को फील करो, फील करो, फील करो, उसकी अनॉइंटिंग को फील करो। अपनी बाइबल को आगे खोल लो और फील करो खुदा की सामर्थ्य को, अनॉइंटिंग को फील करो यीशु मसीह के नाम में। मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम हर एक बंदा चाहता है, हर एक पर्सन चाहता है कि हमको खुशी मिले, हम आनंदित रहे। लेकिन रियल जो आनंद है, जो खुशी है, कहां पे है? रियल जो अनाउंटिंग है वो कहां पे? रियल जो आनंद है जो सदा के लिए बना रहता है, चाहे आप कहां से भी गुजरो, मौत की बाधाओं से गुजरो, बीमारियों से गुजरो, अपनी दर्द से गुजरो, अपने हालातों से गुजरो, लेकिन वो आनंद कभी भी छोड़कर नहीं जाता, वो खुशी कभी भी छोड़कर नहीं जाती। लेकिन आज मैं आपको ये पूछने के लिए आया हूं, क्या बताने के लिए आया हूं, आपके जीवन में कुछ खुशी कहां पे है? आप किधर खुशी को ढूंढ रहे हो? आपका आनंद किन चीजों में? यह हम पॉलस का खत पढ़ते हैं और पॉलस के खत में एक चीज बताई गई। कुलसियों जब हम पढ़ते हैं, चार अध्याय उसके चार वचन को हम देखते हैं। अपनी बाइबल को खोलो जरा, यह उस वचन को देखते हैं। कुलसियों चार अध्याय उसके चार वचन को जब हम देखते हैं, वहां पर पॉलस ने कुछ लिखा है अपने खत में, हम उसको देखेंगे जरा। और उसे ऐसा प्रकट करूं जैसा मुझे करना उचित है, अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। तुम्हारा वचन सदा, सॉरी आप फिलिपियों पढ़ो, चार अध्याय उसके चार वचन को देखो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। बाइबल दसदी है पंजाबी दे विच, हमेशा खुश रहो, मैं फिर कहता हूं खुश रहो। यहां पे पॉलस अपने खत में ये लिख रहा है,
तुम प्रभु में क्या रहो आनंदित रहो, तुम प्रभु में खुश रहो, प्रभु के कामों को करने के लिए तैयार रहो और खुश दिल से आनंदित दिल से उसको करते जाओ। अगर हम प्रभु के कामों को कर रहे हैं और खुशी कोई नहीं, वो हमारा करना व्यर्थ। एक वचन जब हम देखते हैं दूसरा क्रंथियों 9 अध्याय उसके 7 वचन को जब हम देखते हैं, वहां पे कुछ चीज लिखी गई है जो आपको आपके लिए सुनने के योग्य है। वचन तो सारा ही सुनने के योग्य है, लेकिन वो चीज आपके लिए खास है। पढ़ेंगे हम दूसरा क्रंथियों 9 अध्याय उसके 7 वचन। आपने जल्दी निकालना है और जल्दी पढ़ना है। हर एक जन जैसा मन से ठाने वैसा ही दान करे, ना कुट-कुट के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर खुशी नाल देने वाले प्यार करता है। यही वर्ड को उठाओ यहाँ से। आप जो भी करो दिल से करो और खुशी से करो, चाहे वो प्रार्थना है, चाहे वो एक वर्षिप है, चाहे वो आप वचन सुन रहे हो। अगर आप उसको आनंद में नहीं ले रहे, आपने समझना है पूरे वचन को। मैं करो कहां पे आपका आनंद है, किस जगह पे आपकी खुशी है। एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो बंदा शरीर में, आत्मा की मैं बात नहीं कर रहा, जो बंदा शरीर में और शरीर की दिशा में चलता है, वो शरीरी बातों में, शारीरिक कामों में और शरीर में खुशी को ढूंढता है। लेकिन जो आत्मा में चलता है, जो आत्मा की सुनता है और आत्मिक काम करता है, वो प्रभु में खुशी को ढूंढता है। चाहे उसकी खुशी वचन सुनने में हो, चाहे फिर गीत गाने में हो, चाहे फिर चर्च में जो भी काम है वो करने में, वो बंदा हमेशा जो आत्मा में, वो प्रभु में होकर खुशी को ढूंढेगा और उसका आनंद प्रभु में ही रहेगा। लेकिन जो शरीर में, वो शरीर में ही आनंद को ढूंढेगा और शरीर में ही आनंद उसको मिलता जाएगा। लेकिन दो आनंद, दो खुशियों की बात है। एक खुशी जो हम शारीरिक तौर पे हम रिसीव करते हैं, एक खुशी जो हमारे स्पिरिट में, वो आत्मिक तौर पे हमें मिलती है। लेकिन जो शरीर में खुशी है वो थोड़े समय की है, या एक दिन की, एक महीने की। एक उदाहरण है, एक उदाहरण देता हूं आपको। आप घर में फ्रिज लेकर आओ या गाड़ी लेकर आओ, कितने टाइम खुशी रहते हैं? एक हफ्ता, दो हफ्ते, तीन हफ्ते। ये शारीरिक दशा में अपनी आशीष को ढूंढते हैं, शारीरिक तौर पे अपना आनंद पूरा करने के लिए, अपनी खुशी पूरा करने के लिए। वो खुशी पल दो पल की। लेकिन जो प्रभु में आनंद, पौलुस ने इसलिए कहा कि तुम प्रभु में आनंदित रहो, यानी कि खुश रहो। मैं फिर से कहता हूं, तुम प्रभु में आनंदित रहो। और जब भजन सहायता पढ़ते हैं, 122 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पे भजनकार ने कहा है, भजन
लिखने वाले ने बोला है। एक मिनट हम उसको भी जानेंगे और पढ़ेंगे। आपने जल्दी जाना है वहां पे। 122 अध्याय उसका पहला वचन। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। कहता मैं खुश होया जदो मेनू ओना ने कहा आओ असी प्रभु दे घर चलिए। यहां पे क्या लिखा है? दाऊद कह रहा है जब मुझे लोगों ने बोला कि आओ हम खुदा के भवन में चले, कहता मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ, मैं उछलने लगा, मेरा आनंद भर गया, मेरा खुशी से मन उछला जब मुझे लोगों ने बोला कि आओ खुदावंत के घर में चले। आज आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या आपका आनंद दाऊद की तरह है? आपकी खुशी दाऊद की तरह है? जब आपके लोग, आपके घर के लोग, आपके पड़ोसी आपको बोलते हैं चलो प्रार्थना करें, चलो वर्षिप करें, चलो खुदा के भवन में चले, चलो खुदा की प्रेजेंस में चले, क्या आप खुश होते हो या नहीं? क्या आप खुशी से वो चीजें करते हो? यहोवा परमेश्वर के घर में आते हो या नहीं? यहोवा परमेश्वर के घर में आकर क्या खुशी से आप वर्षित करते हो या नहीं? ये बहुत महत्वपूर्ण बातें। शारीरिक दशा में बढ़ने वाला इंसान शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए क्या करेगा, काम करेगा। किसी की खुशी उसके पैसे में, किसी की खुशी चोरी करने में, किसी की खुशी किसी के घर को बर्बाद करने में, और किसी की खुशी शारीरिक अभिलाषाओं व्यभिचार को पूरा करने के लिए। लेकिन पौलुस रसूल और दाऊद ये चीजें लिख रहा है, ये चीजें बोल रहा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब लोगों ने मुझे बोला, मेरा आनंद बना हुआ था, मैं आनंद के साथ प्रभु के घर जाने के लिए तैयार था, प्रभु के भवन को जाने के लिए तैयार था। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आप प्रभु के कामों के लिए आप तैयार हो आनंद से करने के लिए, कहता खुशी से देने वाला प्रभु उससे प्रसन्न है, दुखी मन नहीं। आज तक आपकी प्रेयर क्यों नहीं स्वीकार हुई? क्यों वर्शिप नहीं स्वीकार हुई? आपने आए तो जरूर हो, लेकिन आपका ध्यान, आपका मन कहीं और लगा हुआ, कई और जा रहा है। आप उन चीजों में खुश ना हो जो थोड़े समय के और नाश होने के लिए। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए, जब मैं प्रभु ने मुझे बुलाया, मैंने बपतिस लिया, तोबा की, मेरा उद्धार हो चुका है, आप इतना आनंदित हो कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, मैं खुदा का बेटा और बेटी। यह पौलुस को फिर से पढ़ते हैं। पौलुस क्या कहता है? क्रंथियों 2 अध्याय उसके 12 और 10 वचन में लिखा है कि जो चीजें, जो पीड़ा, जो दर्दें, जो प्रॉब्लम है मेरे ऊपर आती है, मैं खुशी खुशी से उसे सह लेता हूं। आज जब मैं कमजोर होता हूं, मैं बल
बलवंत होता हूं। हालेलुया हालेलुया, जोर से तारीफ करो खुदा की, जोर से तारीफ करो खुदा की। हालेलुया आप फिर प्रभु के लिए कुछ कर सकते हो अगर आप आनंद के साथ कर रहे हो। आप करना कुछ चाहते हो कुछ ना, क्योंकि जहां पे मन है वहां पे धन है। आपका यहां पे ध्यान है वहां पे आपका सब कुछ। मैं कह रहा हूं जो पैसे की भागम भाग में लगे हुए हैं, जो शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, वो खुशी खुशी नहीं है। आपकी खुशी प्रभु के घर में, आपका आनंद प्रभु में रहने के लिए, प्रभु में बने रहो ये सदा का आनंद है। प्रभु के घर में जब भी मौका मिले खुशी खुशी से जाओ, दुखी ना जाओ। आपको इस चीज की खुशी होनी चाहिए, इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आपका उद्धार हो चुका है, आप स्वर्ग जा रहे हैं। कुछ प्रभु ने दिया चाहे नहीं दिया, मुंह मांगा वरदान, कहता मैं तुझे दूंगा, उससे पहले तेरा उद्धार हो चुका है, तू क्या कर, आराधना कर। तू वर्शिप कर, तू इस बात की खुशी कर कि तेरा चर्च आते वक्त ही उद्धार हो चुका है। तुझे इस बात की खुशी होनी चाहिए कि तू स्वर्ग जा रहा है। और जिसको ये मालूम है कि मेरा उद्धार हो चुका हूं, मैं खुदा की बेटी हूं बेटा हूं, वो खुश रहे हमेशा, प्रभु में आनंदित रहे, उसकी कोई भी कंप्लेन नहीं होगी। उसके पास चाहे आशीष हो चाहे ना हो, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपने आनंद में बना हुआ है। आमीन। पॉलस की खुशी प्रभु में थी, इसलिए उसने खत में लिखा प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। इधर दाऊद भी कह रहा है कि जब लोगों ने मुझे कहा खुदा के घर में चले और मैं आनंदित हुआ, मैं खुश हुआ। जब मैंने लोका ने आख्या कि चलो खुदा दे कर दे कुछ चली। हालेलुया। लेकिन आज अपने आप को रखना है सामने कि मैं किधर आनंद ढूंढ रहा हूं। पांच मिनट के लिए अपने आप को खुश करने के लिए अब क्या क्या काम करते हैं। आप नहीं चाहते कि आप सदा आनंदित रहो, सदा खुश रहो। पांच मिनट की खुशी क्या है, दो मिनट की खुशी क्या है, कुछ भी नहीं। दो मिनट खुश होकर और अगले तीन महीने तक दुखी रहना, ये कौन सी समझदारी है। तो संसार आपको सिर्फ एक दिन के लिए, एक महीने के लिए, कुछ पल के लिए खुशी दे सकता है। मैं नहीं जानता आपका जीवन किस बात में खुशी मनाता है, लेकिन आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आऊं आपका जीवन किस बात में खुश हो और सदा खुश रहना चाहिए कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूं, मैं खुदा के घर में जा रहा हूं, मैं खुदावंत के पास जा रहा हूं, मैं खुदावंत का बेटा और बेटी हूं, मुझे इस बात की खुशी है। और जब ये आप अपने दिमाग में रखकर चलेंगे, आप अपने दिमाग में लेकर चलेंगे, कोई भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए। एक मिनट पढ़ना पॉलस को 12:10। जल्दी पढ़ना, पढ़ना।
ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖਿਰੇ ਮੱਥੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਵ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਸੀਏ ਅਤੇ ਬੇਉਮੀਦੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੱਲ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਕਤਵਰ ਖਿਰੇ ਮੱਥੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਲੇ गुस्सा नहीं, नहीं दुखी नहीं कहता है, मैं खुशी खुशी ये सब कुछ सह लेता हूँ, आनंद से मैं ये सब कुछ सह लेता हूँ प्रभु की खातिर। और जब मैं कमजोर होता हूँ तब मैं ताकत देखता हूँ अपने अंदर। हालेलुया हालेलुया। आप से लोगे जब आपको आप इस दशा में बढ़ोगे, आत्मिक दशा में बढ़ो, शरीर में बढ़ना, शारीरिक दशा में बढ़ना मौत लेकर आता है, और आत्मिक दशा में बढ़ना हमें जीवन देता है और जीवन का दान देता है। आमीन। हालेलुया। आपके थोड़े पल का आनंद, थोड़े पन की खुशी, चाहे वो किसी का मन दिखाकर लो, चाहे मोबाइल पे लो, चाहे अपने टेलीविजन पे लो, चाहे आपके कामों में लो, चाहे किसी की बर्बादी में लो, चाहे किसी को धक्का देकर लो, ये थोड़े समय का आनंद से अच्छा है कि प्रभु में जाकर सदा का आनंद लिया जाए और प्रभु के आनंद में शामिल हुआ जाए और उसके दुखों में भी अपने आप को शामिल किया जाए। ये बड़ी बात है। थोड़े समय का आनंद और शरीर में आनंद लेना। हालेलुया। वो आपको नाश कर सकता है लेकिन प्रभु में रहना और दुख सहना और बने रहना प्रभु में आनंद के साथ। क्या मैं आपको अपनी कलीसिया को पूछना चाहता हूं, क्या आप वर्शिप करते समय आनंदित हो? क्या चर्च आते वक्त आनंदित हो? प्रभु के दास से मिलने के लिए आनंदित हो? क्या आप संसार में आनंद खोज रहे हो कि प्रभु में होकर प्रभु में आनंद खोज रहे हो? ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इसको सीखते जाओगे आप फलवंत होते जाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम नाम। आमीन। हालेलुया। कहां पे आपका आनंद? किसी को दुखी करके आप खुश होने? नो, यह आनंद नहीं है। पॉलस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। दाऊद कहता है जब लोगों ने मुझे बोला कि यहोवा के घर में चले तो मैं खुश हुआ। आपकी खुशी प्रभु में, इधर उधर मत भटको, संसारिक चीजों में मत खुशी को ढूंढो। आपकी खुशी वचन सुनने में, आपकी खुशी प्रभु में रहने में। कहता अगर तू फलवंत होना चाहता है तू मुझ में बना रहे, अगर तू मुझ में बना रहेगा मैं तुझ में बना रहूंगा और तू फल लेकर आएगा। आमीन। तू फलवंत होगा जब तू मुझ में बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो ये चीज आपने सीखी है, छोटी छोटी चीजों में आनंद न ढूंढो जो सिर्फ कुछ टाइम का है। ये बड़ी चीज है जब हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं। ये बड़ी बात है। और प्रभु को पहले नंबर पे रखते हैं कि यही मेरा सब कुछ है, मेरा चुनाव पहला प्रभु है, बाकी गल्ला बाद विच, बाकी चीजा बाद विच, पहला चुनाव प्रभु का है। ये बेस्ट चीज है, ये बेस्ट खुशी है, जिहड़ी सदा तुहाडे नाल रहेगी। चाहे तुसी अग विच चले जाओ, पानिया विच चले जाओ, मौत दी वादी विच गुजरो, कहिंदा खुश होना, आनंदित होना जब मेरे कारण लोग तुझे ताने लगाए,
ताने कसे बोलियां मारे आनंदित और खुश होना। क्यों? क्योंकि स्वर्ग में तेरे लिए क्या है बड़ा बड़ा फल, स्वर्ग में तेरे लिए बहुत अच्छा फल है। आमीन। इसलिए आप खुश रहो, प्रभु आपके साथ है। मैं फिर से वो वचन बोलता हूँ, प्रभु में सदा आनंदित रहो, आनंदित रहो। जय मसीह के सबको, अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ, अपने अपने हाथों को उठाओ। हर एक जन आपकी खुशी प्रभु में, छोटी छोटी खुशियों में मत भूलो, सदा का आनंद प्रभु में, सदा की आशीष प्रभु में। पल दो पल की आशीष नहीं, ये सदा चलने वाली बरकतें और सदा खड़ने वाला ये परमेश्वर, सदा आनंद में रखने वाला परमेश्वर। आप दुखी भी होंगे पॉलस की तरह, लेकिन आपके चेहरे में उदासी नहीं। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, मैं खुदा का बेटा और बेटी, और आपका आनंद बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन, हिलाओ अपने हाथों को हर एक जन, हिलाओ हिलाओ हर एक जन। हिलाओ 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 हिलाओ। वहां से हम स्टार्ट करेंगे इससे। सेनाओं के यहोवा का नाम मुबारक हो। अपने हाथों को उठाते हुए, आंखों को बंद करते हुए अपनी ऑफरिंग को उठाओ, अपनी ऑफरिंग को साथ ले लो। अपने हाथों में लो अपनी ऑफरिंग को, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा नाम महिमा पाए, ये भेंट तू स्वीकार कर, मैं अपनी कमाई से दे रहा हूँ, मेरा दुश्मन, मेरा हदिया, मेरा बेस्ट, मैं आपको दे रहा हूँ, ये तेरे कामों के लिए लगे पिता, तेरा फजल मांगता हूँ, इस भेंट को तू पवित्र कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। अपनी ऑफरिंग को आप अपने बॉक्स में रख सकते हो। कोशिश करो कि आप चर्च में अपने दुश्मन अपनी बेस्ट ऑफरिंग बचाओ, ताकि जो काम है वो हो सके। अपने हाथों को उठाते हुए सब प्रार्थना में जाएंगे। तारीफ दा मैं तेरा बलि था, पहले
उतरे जो चर्च में वो आपके घर में उतरे, आपके ऊपर उतरे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में आपकी आंखों की प्रॉब्लम जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं लोगों पे पवित्र आत्मा युमश करता देख रहा हूं। अलर्ट हो जाओ, प्रभु आपको छू रहा है। आपके अंदरूनी रोग जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो आप मन से दुखी और टूटे हुए हो, प्रभु आपको छू रहा है अंदर से, आपके दिल से। और जो दिल के जख्म है, जो दिल से टूटे हुए, यीशु मसीह के नाम में आनंदित हो जाओ, 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 आनंदित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ, होली स्पिरिट से भर जाओ, होली स्पिरिट से भर जाओ, होली स्पिरिट से भर जाओ। खुदा की अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, आपके शरीर के रोग जाते रहे, गुप्त अंग के रोग जाते रहे, शारीरिक जाती रहे, इन्फेक्शन जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। जिनका आज बेबी नहीं है, बेबी मिले, आपकी बंद कुके खुले यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी बंद कुके खुले यीशु मसीह के सामर्थी सामर्थी नाम में, आपका फीवर जाता रहे, आपकी पेन जाती रहे, बुखार जाता रहे, और दर्द जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। उठा उठा अपने हाथों को, हर एक जन वर्शिप करो पांच मिनट के लिए, आप चंगे होंगे इस वर्शिप के दौरान। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं जितने वर्ड बोल कर गया हूं, मैं एक बात जरूर सीखी है। एक मिनट बंद करना। मैं एक चीज बहुत अच्छे से सीखी है, जितना भी बोलो, चाहे एक शब्द बोलो, चाहे दो शब्द बोलो, बोलो खुदा की तरफ से। और जितने वर्ड आपके पास आए, ये पूरे होने के लिए जा रहे हैं।
मिलेंगे खुदा जब चाहेगा अगली मीटिंग में हम जरूर मिलेंगे। जो प्रोफेटिक दिए गए बहुत से लोगों को अनाउंस होते हुए देख रहा हूँ, अंदरूनी रोग जो मन टूटे हुए हैं, दिल टूटे हुए हैं, वो परमेश्वर उनके जख्म को भर रहा है, वो आनंद देखेंगे जल्दी। और जितने मेरे को सुन रहे आप बड़ा आनंद देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम। पांच मिनट के लिए वर्शिप करो, आप फ्री हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। वर्शिप तंगी मुसीबत आया तूफान मेरी देश मेरा बन के मला बीता उस किनारे बन के मला बीता उस किनारे मेरा बन के मला बीता उस किनारे ला तारीफ करो जोर से भले आया जदो याद करा तारीफ दा मैं देवा बलिया भले आया जदो याद करा Yeah.